नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी गुप्ता। स्वागत है आपका एसबीटी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचारों पर। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से भ्रष्टाचार विरोधी टीम ने पकड़ी है एक व्हेल मछली, देखिए रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत पे ठाणे के भ्रष्टाचार विरोधी टीम ने कसा शिकंजा। कल्याण महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत 8 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। महापालिका मुख्यालय में अपने ऑफिस में बैठ के ले रहा था यह रिश्वत। उसके साथ उसके 2 लिपिक भी पकड़े गए जो इसमें शामिल थे। कहा जाता है कि अवैध निर्माण करने वालों से इन्होंने 42 लाख की रिश्वत मांगी थी और अंत में 45 लाख में सौदा तय हुआ, जिसमें से पहली किस्त के तौर पे 8 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। अब खुलेंगे और भी राज इनके। यह वही हैं जिनके बारे में एसबीटी न्यूज़ ने अपनी पिछली न्यूज़ में कहा था कि या तो यह आंदोलनकर्ता युवक पागल है या तो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अधिकारी रिश्वतखोर हैं। युवक तो पागल साबित नहीं हुआ, मगर महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत रिश्वतखोर बेईमान साबित हो गए हैं, जिसका प्रमाण पत्र भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के ठाणे शाखा ने दे दिया है। सूत्रों के अनुसार कहा जाता है कि पूरी महापालिका संजय घरत के इशारे पे चलती थी। तत्कालीन आयुक्त श्री पी वेलारासू का तबादला भी संजय घरत के कहने पे हुआ था, क्योंकि संजय घरत को आईएएस अधिकारी नहीं चाहिए थे जो इनका पर्दाफाश कर सकते हैं। उन्हें अपने मुताबिक का रिश्वतखोरी में जो साथ दे सके, ऐसे ही आयुक्त उनको चाहिए थे जो उन्हें मिले, मगर फिर भी कुदरत को यह मंजूर नहीं था और सालों से इसने संपूर्ण महानगर पालिका को कुरेद कुरेद के खाया है। करोड़ों की संपत्ति इन्होंने बनाई है अपने सर्विस के कार्यकाल में, जो भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ढूंढ के निकालेगी। फिलहाल तो उसके घर पे और ऑफिस में छापेमारी की है। अभी उनके सभी निकटवर्तीय और रिश्तेदारों की भी जांच होगी। सबसे बड़ी मछली तो हाथ लग गई है, मगर उनके चेलों का नंबर कब आएगा, ऐसे प्रश्न कल्याण डोंबिवली वासियों के मन में चल रहे हैं। सबका नंबर आएगा, हर काली कमाई जाएगी सरकारी खजाने में। शायद कल्याण डोंबिवली में अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। तभी तो डिप्टी कमिश्नर श्री सुरेश पवार, वार्ड अधिकारी श्री अरुण वानखेड़े, प्रकाश ढोले, इनकी भी बारी है। यह संजय घरत के निकटवर्तीय हैं जो उनके भ्रष्टाचार के कामों में देते हैं साथ, जो बड़ी मछली फांसने में करते हैं इनकी मदद। कुछ दिन पहले हमने खुलासा कर दिया था कि एक ही जिले में 2 महानगरपालिका हैं, एक कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरी उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दोनों महापालिका में इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं कि जैसे ये पाकिस्तानी हैं और पूरी महानगरपालिका साफ कर जाएंगे। पाकिस्तान देश पे हमला करता है और यह अधिकारी हमारे महानगरपालिका के पैसों पे, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही हमें खोखला करने का काम कर रहे हैं। हमारी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग से यह गुजारिश है कि वार्ड अधिकारी अरुण वानखेड़े और प्रकाश ढोले की भी जांच करें, इनके पास से भी भ्रष्टाचार से कमाई हुई काली कमाई मिलेगी। एसबीटी न्यूज़ ने इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छेड़ा है आंदोलन। जब तक इन जैसों को सजा नहीं मिलती, तब तक शुरू रहेगा यह आंदोलन। सट्टेबाजी में सलीम खान का नाम भी आया सामने, देखिए रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता अरबाज खान और निर्माता फाइनेंसर पराग संघवी के बाद सट्टेबाजी में अरबाज खान के पिता सलीम खान का नाम सामने आया है। पुलिस की पूछताछ में बुकी सोनू जालान ने इस बात का खुलासा किया है। सोनू ने पुलिस को बताया है कि सलीम खान पहले सट्टा लगाया करते थे, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं कि वह अब भी सट्टा लगाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ ठाणे न्यायालय ने सट्टेबाज सोनू जालान की पुलिस हिरासत 17 जून तक बढ़ा दी है। ठाणे हफ्ता वसूली निरोधी दस्ते ने सोनू जालान को पिछले साल सितंबर में कासरवड़ वाली पुलिस स्टेशन में दर्ज सट्टेबाजी के एक दूसरे मामले में हिरासत में लिया था। सोनू की पुलिस हिरासत बुधवार को ख़त्म हो रही थी। उसे फिर न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने पुलिस की मांग पर उसकी हिरासत 4 दिन बढ़ा दी। सलीम खान के बारे में जब ठाणे पुलिस के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर सोनू जालान से हुई पूछताछ में सलीम खान का नाम सामने आने की पुष्टि की, लेकिन उसका कहना है कि सोनू की बात पर कितना विश्वास किया जाए यह कहना मुश्किल है। सोनू ने अभिनेता अरबाज खान और निर्माता फाइनेंसर पराग संघवी द्वारा क्रिकेट पर सट्टा लगाने की बात कही थी। पुलिस पूछताछ में अरबाज खान ने सट्टा लगाने की बात खुद कबूल की थी, लेकिन पुलिस के पास अरबाज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने संघवी से भी पूछताछ की और संघवी ने सट्टेबाजी को लेकर सोनू द्वारा उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। इसके बाद ठाणे पुलिस ने अरबाज खान और पराग संघवी को इस मामले में गवाह बनाना तय किया।
दोनों की गवाही से अब सोनू पर कानूनी शिकंजा कस सकता है और उसे जेल से बाहर आने में समय लग सकता है। मुंबई में बढ़ रही है बार डांस वालों की दहशत, सोशल सर्विस ब्रांच अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, देखिए रिपोर्ट। कभी मुंबई के डांस बार मालिक पुलिस के सोशल सर्विस ब्रांच से डरते थे। डांस बारों में रेड डालने का काम सोशल सर्विस ब्रांच ही करती थी। अब इस ब्रांच की अहमियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण है पिछले सप्ताह ग्रांड रोड के कल्पना बार में पड़ी छापेमारी। यह रेड सोशल सर्विस ब्रांच की तरफ से नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक सेल के DCP शिवदीप लांडे की तरफ से डाली गई। यहां एक गुप्त तहखाने से कई लड़कियां बाहर निकल गई थी। हालांकि सोशल सर्विस ब्रांच क्राइम ब्रांच के अंडर में आती है, लेकिन क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी डांस बार में रेड के लिए अपनी दूसरी विशेष ब्रांच से ज्यादा कार्यवाही करवा रहे हैं। क्राइम ब्रांच के अंडर में ही एंटी नारकोटिक सेल आता है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के पास डिटेक्शंस के भी 2 DCP हैं, जिनके अंडर में 1.5 दर्जन से ज़्यादा यूनिट्स काम करती है। क्राइम ब्रांच में DCP एनफोर्समेंट भी है, जिसके अंडर में ही सोशल सर्विस ब्रांच आती है, साथ ही जापू ब्रांच भी। सोशल सर्विस ब्रांच के इस तरह से प्रकार दिए गए हैं कि स्टाफ के नाम पर यहाँ एक सीनियर PI और एक महिला API के अलावा मुश्किल से 2-3 सिपाही हैं। इसलिए यदि एनफोर्समेंट के DCP किसी बार में रेड डालने जाते हैं तो उन्हें जापू ब्रांच से कर्मचारी उधार लेने पड़ते हैं। इधर क्राइम ब्रांच के डिटेक्शन के दोनों DCP की यूनिट्स ने भी ऊपर से आदेश पर कई डांस बारों में छापेमारी की है। मुंबई में रोज रात में किसी एक DCP की भी ड्यूटी रहती है। उसे अधिकार होता है कि नाइट पेट्रोलिंग के दौरान वह किसी भी बार में रेड डाल सकता है। शिवदीप लांडे ने पिछले सप्ताह कल्पना बार में जब रेड डाली तो वह नाइट पेट्रोलिंग में थे। एक टॉप रैंक के अधिकारी ने SBT न्यूज से कहा है कि अमूमन किसी एक जोन का DCP दूसरे जोन में रेड नहीं डालता, क्योंकि उस जोन का DCP नाराज हो जाता है। ऐसे में नाराज DCP मौका मिलते ही उसके जोन में रेड डालने वाले DCP के इलाके में रेड डलवाने लगता है। इसलिए पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसलगीकर ने क्राइम ब्रांच के अलग अलग DCP को मुंबई के अलग अलग जोन में छापेमारी की आज़ादी दी हुई है। कैसे छोटे छोटे कमरे निकाल के छुपाते हैं ये बार बालाओं को, कभी किचन में तो कभी टॉयलेट के अंदर। अगर इस बीच कुछ हादसा हो जाता है तो कौन है इसका जिम्मेदार, पुलिस प्रशासन या मुंबई महापालिका, जो कभी भी इस जगह का ऑडिट नहीं करती। और ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें। मेरे यानी शुभांगी गुप्ता के साथ देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।